हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट के उषा अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है सारा का सारा हम लोग इस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस एक वीडियो में हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे संभावित प्रश्न होंगे जो आगामी परीक्षा 2024 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले प्रश्न के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। बच्चों ये 2021 में जो है ये पूछा गया प्रश्न है और यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह ने इतने पास अपने शीर्षक जो है वो संकलन को लिखा है और इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या दो है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता जो है वह लिखी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है, तो शमशेर बहादुर सिंह ने उषा अध्याय जो है वह लिखा है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे प्रश्न संख्या तीन। क्या है प्रश्न संख्या तीन, कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवि शिरोमणि कहा जाता है या कवियों के कवि कहा जाता है। आखिर शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर के बाद हम देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन और जो चौथा प्रश्न है बच्चों वो है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। प्रश्न तो वही है, घुमा करके पूछ दिया गया है, लेकिन ये 2021 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो कवियों के कवि जो है वह शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर नंबर के बाद हम देखेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न देखेंगे बच्चों और पांचवा प्रश्न आपके समक्ष है कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक जो काव्य कृति का संपादन है किसने किया है। यानी शमशेर बहादुर सिंह की जो कृति है वो है प्रतिनिधि कविताएं, तो इन प्रतिनिधि कविताएं नामक जो काव्य कृति है इसका संपादन किसने किया है। क्या डॉक्टर काशीनाथ सिंह जी ने किया है, डॉक्टर नामवर सिंह जी ने किया है, डॉक्टर दूधनाथ सिंह जी ने किया है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर नामवर सिंह होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों डॉक्टर नामवर सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रतिनिधि कविताओं नामक काव्य कृति का जो है वो संपादन किया था। फाइव नंबर के बाद अब हम देखेंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन, छठा प्रश्न हम देख रहे हैं बच्चों और छठा प्रश्न है कि उषा का जादू कब टूट जाता है। यानी उषा का जादू कब टूट जाता है, सर उषा का जादू कब टूट जाता है, सूर्योदय होने पर टूटता है, अंधेरा होने पर टूटता है, उषा का जादू कब टूटता है, तो जो उषा का जादू है वह सूर्योदय होने पर टूटता है। सिक्स नंबर का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स के बाद हम देखेंगे बच्चों सेवन नंबर क्वेश्चन और सेवन नंबर क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया है। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का जो है वो संपादन किया है, तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने उर्दू और हिंदी कोष का जो है वो संपादन किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवन नंबर के बाद हम देखेंगे एट नंबर क्वेश्चन और आठवां प्रश्न है बच्चों आपके समक्ष कि शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे। तो शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे ये बताना है, तो शमशेर बहादुर सिंह जो थे वो नागार्जुन जी के जो है वो समकालीन थे। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एट नंबर के बाद हम देखेंगे नाइन नंबर क्वेश्चन और नाइन नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई, पहले सप्तक में, तीसरे सप्तक में, दूसरे सप्तक में, या इनमें से कोई नहीं, तो शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है वह दूसरे सप्तक में आनी प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइन नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे टेन नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी। 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी। 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है, तो सोवियत रूस की जो यात्रा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने
1978 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 11 नंबर प्रश्न। और 11 नंबर प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है, इंद्रजाल है, मुकुल है, उदिता है या इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उदिता। उदिता जो है वह शमशेर बहादुर सिंह जी की परफेक्ट रचना है, यानी पूर्ण रचना जो है वो उदिता है। ये शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट जो है वो अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों। बहुत ही कम समय में सटीक सटीक ऑप्शंस के थ्रू जो है वो हम आगे बढ़ते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसको जितना एक्सप्लेन करना था कविता को पढ़ाने के दौरान मैंने इसे कंप्लीट किया है। बाकी अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन टू ऑप्शन जो है वो चल रहे हैं। जहाँ कॉम्प्लिकेटेड टर्म आएगा, जहाँ कठिन और जटिल जो है वो शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, वहाँ पर खूब बेहतरीन ढंग से फिर एक्सप्लेन करें। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी? तो शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 ईस्वी में रूस की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी? रूस की यात्रा की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सोवियत रूस दिया हुआ है। घबराना नहीं है, ऑप्शन बी ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर के बाद बच्चों अब हम देखेंगे 13वां प्रश्न। और 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था। तो शमशेर बहादुर सिंह ने जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है वो बीए किए थे। अर्थात शमशेर बहादुर सिंह जी ने जो है वो इलाहाबाद से क्या किया था, बीए किया था। अब जो है वो हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, 14वां प्रश्न देखेंगे बच्चों कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है। शमशेर बहादुर सिंह का जो संबंध रहा है वह विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा है। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वो जो है बी ए कहाँ से किए हैं, इलाहाबाद से किए हैं। लेकिन जब संबंध की बात कर रहे हैं कि किस विश्वविद्यालय से उनका संबंध रहा है, तो वो करेक्ट आंसर होगा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि विक्रम विश्वविद्यालय में इन्होंने कुछ जो है वो समय वृत्ति जो है वो बिताई होगी, है ना, अपना पेशा जो है वो यहाँ निभाया होगा, शिक्षक का कर्म जो है वो निभाया होगा। 14 नंबर के बाद जो है वो देखेंगे 15 नंबर प्रश्न। और 15 नंबर प्रश्न है बच्चों कि उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है। उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? तो नीले शंख के समान बताया गया है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के बाद हम देखेंगे 16 नंबर प्रश्न। और 16 नंबर प्रश्न है बच्चों कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है जिसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है। इन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी कविता है? तो प्रकृति का वर्णन जो है वह उषा अध्याय में किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर के बाद हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न। दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष जो है वह 1957 ईस्वी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा शतक का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1957 है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर के बाद हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न। और 18 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है बच्चों कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 ईस्वी को शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर प्रश्न। और 19 नंबर प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है। तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न। और 20 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, कौन सी कृति जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की है। ये 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऐसी कौन सी कृति है जो शमशेर बहादुर सिंह की है। तो शमशेर बहादुर सिंह की जो कृति है वो कौन सी कृति हो जाएगी। तो शमशेर बहादुर सिंह की जो कृति है क्या वो गुलामी का नशा हो जाएगा, या काल उससे होड़ है मेरी, मुकुल या विशाल। 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा काल तुझसे होड़ है मेरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो काल तुझसे होड़ है मेरी रचना है या किसकी है, तो यह शमशेर बहादुर सिंह जी की है। ये कीर्ति है शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। 20 नंबर के बाद हम देखेंगे 21 नंबर प्रश्न। और 21 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष कि नील जल में
या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्ति जो है वह उषा अध्याय से जो है वह ली गई है। कहां से ली गई है? उषा अध्याय से जो है इस पंक्ति को लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न, और 22 नंबर प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन है? सतह से उठता आदमी, खिलेगा तो देखेंगे, लोग भूल गए हैं, टूटी हुई बिखरी हुई। 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो शमशेर बहादुर जी की रचना जो है वह टूटी हुई बिखरी हुई ऑप्शन डी जो है यही रचना है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि शमशेर बहादुर सिंह जी की जो रचना है वो कौन सी है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना टूटी हुई बिखरी हुई है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 23वां प्रश्न, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? प्रभातकालीन आकाश कैसा है? तो प्रभातकालीन आकाश नीले संकेत जैसा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर के बाद हम देखेंगे 24 नंबर प्रश्न, किसका जादू टूटता है? जादू जो है वह किसका टूटता है? तो जो जादू है वह उषा का टूटता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर के बाद हम देखेंगे 25 नंबर प्रश्न, उषा शीर्षक कविता के कौन कवि है? तो उषा शीर्षक कविता के जो कवि है वो शमशेर बहादुर सिंह जी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी जो है चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर के बाद हम देखेंगे 27 नंबर प्रश्न, कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना है? 2020 में जो है यह प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा कि सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो सुकून की जो तलाश है यह रचना है इकबाल जी की, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर के बाद हम देखेंगे 28 नंबर प्रश्न, कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म देहरादून में हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 28 नंबर टोटल जो है वो इस अध्याय में प्रश्नों की संख्या 28 थी बच्चों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया था। उम्मीद करते हैं कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और ऐसे संभावित प्रश्न जो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे, सभी प्रश्नों का संकलन जो इस वीडियो में किया गया था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ताकि पता चल सके कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो इस वीडियो को देखा, और मैं भी काउंट तो कर सकूं कि ऑफलाइन में जितने स्टूडेंट्स हैं क्या सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना, क्या सभी लोग जो है वो मन लगा करके पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या आप टेस्ट की जो है वो तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं इसी तरह की बेस्ट कंटेंट के साथ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।